रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी मैं हूँ मस्जिद कुबा के अंदर। ये लोग यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ रहे हैं। देखिए, ये मस्जिद कुबा के अंदर, यहाँ पे इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं। और इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स इसमें आकर के दो रकात नमाज़ पढ़ेगा तो उसके लिए उम्रा के बराबर सवाब है। तो इस मस्जिद में दो रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब उम्रा के बराबर है। जैसे कि हदीस में है कि जो घर से वज़ू करके आया और दो रकात नमाज़ पढ़े तो उसके लिए मुकम्मल उम्रा का सवाब है। तो ये मस्जिद कुबा के अंदरूनी मंज़र है, आप देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हर मुसलमान को मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मस्जिद कुबा से हम लोग जा रहे हैं बाहर। मस्जिद कुबा बीच मिडिल पॉइंट से आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए मस्जिद कुबा, और ये जो है ना, इस तोसी का काम अभी जारी है इंशाल्लाह। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, इंशाल्लाह बाहर से आपको बताएंगे मस्जिद किस तरह दिखती है। ये मस्जिद कुबा का बाहर का मंजर है, देखें। बाहर बहुत दूर तक जो है ना जगह है, यहाँ पे कबूतर को लोग दाना खिलाते हैं। ये है मस्जिद कुबा का मीनार, ये देखें। ये दूसरा, हम लोग अभी जा रहे हैं इकट्ठा होने के लिए उधर मस्जिद कुबा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ना, ये मस्जिद कुबा का मीनार है। ये गुंबद देखिए, ये बाहर साइड, और इधर खजूर के बाग है, पार्क के जैसे बना हुआ है। लोग यहाँ पे आकर के इंतज़ार करते हैं। ये है साइड कारण है, सारे लोग यहाँ पे आते हैं। देखें, जैसे कि इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का सवाब है, कि एक उम्रा के बराबर सवाब है दो रकात नमाज़ पढ़ने की। अभी यहाँ से हम लोग उहद के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं उहद में भी जा कर के बताऊँगा आपको, और इंशाल्लाह बने रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।